सब्सक्राइब कीजिए काबुम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, पिछले मैंने बताया था कि अगर हम लोग का टूल बार सब गायब हो जाए तो उसको हम लोग कैसे वापस लेके आ सकते हैं, मगर जिन लोगों के पास अगर ये टूल बार नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उन लोग जो पुराना वर्जन यूज करते हैं TDMax 2009 या फिर TDMax 2011 या फिर 10, तो उसके अंदर ये मिलता नहीं कि यहाँ से रीसेट कर सकें। तो फिर हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है कि कहाँ से हम लोग पूरा पूरा टूल बार रीसेट कर सकते, और कैसे जो एरर आ जाता है जो 3DMax के अंदर जो नॉट रेस्पॉन्डिंग के एरर्स आ जाते हैं, जो आ जाते हैं एरर बंद हो जाता है, करप्ट हो जाता है फाइल, ठीक है, फिर 3DMax ओपन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। उसका भी एक ही तरीका है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये सब पूरा रीसेट करना है, सबसे पहले तो हम लोग को 3DMax को बंद करना होगा, तो बंद कर देते हैं पूरी 3DMax को। तो 3DMax मेरा बंद हो गया पूरी तरह से, तो फिर हम लोग को जाना कहाँ चाहिए इसको रीसेट करने के लिए। मेरा 3DMax पूरा पूरा बंद होना चाहिए, सारे विंडो बंद होने चाहिए पूरी तरीके से, एक भी 3DMax ओपन नहीं होना चाहिए, सब कुछ 3DMax बंद होना चाहिए उस केस में। फिर हम लोग को जाना चाहिए अपने टूल बार में, ओके, फिर हम लोग जाना चाहिए अपने सी फोल्डर में, ठीक है, सी फोल्डर में यानी कि सी ड्राइव में हम लोग को जाना चाहिए। सी ड्राइव में जाके फिर हम लोग को जाना होगा यूजर्स वाले फोल्डर में, सी ड्राइव में जाके यूजर्स के फोल्डर में जाके फिर इधर पे होता है हम लोग के पास आता है जो आपका यूजर नेम होगा, जैसे मेरा यूजर नेम है गेम प्ले, तो आपका यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, रमेश, दिनेश, जो भी होगा, एडमिन, कोई भी यूजर नेम होगा, जैसे मेरा गेम प्ले यूजर नेम है तो वैसे ही आपका भी कोई यूजर नेम होगा, ठीक है, विंडोज का, ठीक है। तो उस यूजर नेम पे जाइए, फिर वहां पर जाके और आपको जाना होगा एप्लीकेशन डेटा में, ठीक है, फिर उसके अंदर जाना है लोकल में, फिर उसके अंदर जाना है हम लोग को ऑटोडेक्स में, ऑटोडेक्स या गए ऑटोडेक्स, फिर उसके अंदर जाना है 3DMax में, फिर हम लोग को ध्यान देना है कि रीसेट हम लोग को कौन से वर्जन को करना है। अगर आपका 2010 है या फिर 11 है तो इधर पे 2010-11 दिखाई देगा, मेरे को 2014 को रीसेट करना है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं जाऊंगा। इसके अंदर जो ENU फाइल है यानी कि ENU फोल्डर है उसको मेरे को कम्प्लीटली डिलीट करना होगा, राइट क्लिक करके आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो या फिर मैं डिलीट बटन दबा के डिलीट भी कर सकता हूं। तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सके मैं डिलीट कर रहा हूं इसको पूरी तरह से, ठीक है। तो इधर पे आप देख सकते हो लगभग 2 GB का डिलीट करो मैं इधर फाइल, ओके, ठीक है। तो पूरी तरह से ये जितने भी कैच फाइल बना के रखता है अपने सी ड्राइव में, जो स्क्रिप्ट वगैरह लोड किया हुआ है वो सब चीजें, तो वो सब कैच फाइल इसके अंदर बन के आ जाती है, तो वो सब के सब रीसेट हो जाएगा। अगर मैंने डिलीट कर दिया, अभी मैं दोबारा रन करूंगा 3DMax 2014 को, देखिएगा इधर फिर से वो कैच फाइल फिर से रीड होना यानी कि फिर से बनना चालू हो जाएगा, फिर से क्रिएट होना चालू हो जाएगा। अभी मैं इधर पे क्लिक करता हूँ अपने 3DMax 2014 को, ये देखिए फिर से वो कैच फाइल बनना स्टार्ट हो गया। अभी मेरा जो 3DMax चालू होगा तो वो फिर से पूरी तरह से रीसेट हो गया रहेगा, पूरी तरह से न्यू 3DMax बन के आ जाएगा, जैसे इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग के पास आ जाता है, ठीक है। ऐसा करने से कभी कभी क्या है कि आपको कोई एरर आ रहा है तो उस जगह पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कभी कभी आपका 3DMax डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, कुछ स्क्रिप्ट होती है जो उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, आपका बार बार नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है, बार बार आपका बंद हो जा रहा है 3DMax, तो आप इस तरह से रीसेट कर सकते हो, उससे क्या कि आपका पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। इस तरह से आप इसका ENU फोल्डर डिलीट करके आप उसको रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा 3DMax ओपन हो गया और यहाँ पर ओके डन, ये देखिए पूरी तरह से रीसेट हो गया, सबके सब टूल्स बार सबके सब वापस आ गया, मेरे कमांड पैनल भी आ गया और ये सब टूल्स बार भी मेरा वापस आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि अगर आपके पास ये टूल बार नहीं है तो हम लोग अगर आप पुराना वर्जन 3DMax यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप अपने 3DMax को किस तरह से रीसेट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो टूल्स है जो हाइड हो गया है, जो आ रहा नहीं है, जो रिमूव हो गया है, वो आप कैसे वापस लेके आ सकते हो।
इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।